नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के करंट अफेयर डिस्कशन में। इस वीडियो में हम भारत और विश्व के कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो पिछले हफ्ते न्यूज में थे। ये हमारा वीकली करंट अफेयर का डेली का शेड्यूल और ये है लाइव क्लासेस का शेड्यूल जो जिसमें जीएस पढ़ाया जा रहा है। आपको शाम को 3 से 5 बजे के बीच में स्टेट पीसीएस की क्लासेस चलती हैं और शाम को 6 बजे से 8 बजे के बीच में आपको यूपीएससी की क्लासेस चलती हैं, लाइव क्लासेस चलती हैं, और 12 से 1 के बीच में करंट अफेयर के वीडियो आपको मिल जाते हैं। आइए हम देखते हैं हमारा आज का एजेंडा क्या है। पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे विश्व स्वर्ण परिषद के बारे में, दूसरा लिविंग लैंड्स चार्टर, और तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासम्मेलन 2022, राष्ट्रीय जाँच एजेंसी NIA के बारे में भी पढ़ेंगे और कैस्पियन शिखर सम्मेलन 2022 के बारे में पढ़ेंगे। आइए हम अपने पहले टॉपिक में चलते हैं जो कि है विश्व स्वर्ण परिषद वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल। इसका गठन 1987 में किया गया था। अब इसको देखते हैं ये चर्चा में क्यों था, क्योंकि इसने एक रिपोर्ट पेश की है, उसका नाम है गोल्ड रिफाइनिंग एंड रिसाइकलिंग रिपोर्ट। गोल्ड रिफाइनिंग एंड रिसाइकलिंग रिपोर्ट। विश्व स्वर्ण परिषद का मुख्यालय लंदन में है और इसका एम क्या है, सोने के उपयोग और मांग को बढ़ावा देना। और बढ़ावा कैसे देंगे, विपणन अनुसंधान और लॉबिंग के माध्यम से सोने के उपयोग और मांग को बढ़ावा देना। गोल्ड रिफाइनिंग एंड रिसाइकलिंग, ये टर्म क्या डिनोट करता है। रिसाइकलिंग का मतलब होता है पुनः चक्रण, किसी चीज को दोबारा उपयोग में लाना, और रिफाइनिंग मतलब उसको और ज्यादा शुद्ध करना। वह गोल्ड जो ज्वेलरी के रूप में है या सोने के सिक्कों के रूप में है, उनको हम रिफाइन और रिसाइकिल करके शुद्ध सोने के रूप में बदल देते हैं। यही इसी नाम से एक रिपोर्ट जारी की गई है, गोल्ड रिफाइनिंग एंड रिसाइकलिंग रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट के द्वारा देशों को रैंकिंग प्रदान की गई है कि किस देश में कितना गोल्ड का पुनर्चक्रण हो रहा है। इसमें टॉप किया है चीन ने और भारत का स्थान है 4th रैंक, और सेकंड है इटली का, थर्ड है अमेरिका का। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ये लगभग इस क्षेत्र के सभी सेक्टर में कार्य करती है, जैसे माइनिंग MINING, माइनिंग, मार्केटिंग, जो भी सेक्टर हैं सभी सेक्टर में लगभग वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल काम करती है। हमारा आज का दूसरा टॉपिक है लिविंग लैंड्स चार्टर, इसके बारे में देखते हैं। इसे राष्ट्रमंडल के सभी 54 सदस्यों ने अपने अपने राज्य क्षेत्रों में आगामी पीढ़ियों को एक लिविंग लैंड समर्पित करने के लिए कुछ नियम बनाए हैं, उसे ही हम लिविंग लैंड्स चार्टर कहते हैं। आइए देख लेते हैं ये राष्ट्रमंडल क्या है। राष्ट्रमंडल का गठन 1900 के दशक में किया गया था, 1900 दशक की शुरुआत में किया गया था, जब उपनिवेशी राष्ट्र ब्रिटिश साम्राज्य से अलग होना शुरू किए थे, तब राष्ट्रमंडल का गठन किया गया था। और राष्ट्रमंडल के गठन का उद्देश्य क्या था, विउपनिवेशीकरण की प्रक्रिया को आसान बनाना। और इस ये जो लिविंग लैंड्स चार्टर है, इसका उद्देश्य क्या है, 3 रियो सम्मेलनों की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में सदस्य देशों की सहायता करना। वे देश जो विकासशील देश हैं या वो सक्षम नहीं हैं रियो सम्मेलनों की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में, उनकी सहायता करेगा। कौन सी संस्था सहायता करेगी, लिविंग लैंड्स चार्टर नियमों के तहत राष्ट्रमंडल के सभी 54 सदस्य, ये जो असक्षम होंगे प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में उनकी सहायता करेंगे। ये देख लेते हैं तीनों रियो सम्मेलन क्या है। एक रियो सम्मेलन जैव विविधता अभिसमय से रिलेटेड है,
एक मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय से रिलेटेड है, और तीसरा है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय से संबंधित है। अभिसमय क्या होते हैं? अभिसमय ऐसे सम्मेलन हैं जिनमें किसी समान उद्देश्य से कई देश आपस में मिलकर चर्चा करते हैं, उसे ही हम अभिसमय कहते हैं। हमारा थर्ड टॉपिक है यूनाइटेड नेशन ओशियन कॉन्फ्रेंस 2022। इसकी मेजबानी कौन से देशों ने की? दो देशों ने मिलकर किया है, केन्या और पुर्तगाल ने। इसकी मेजबानी केन्या और पुर्तगाल दो देशों ने मिलकर किया है। और इसमें भारत की क्या भूमिका थी? भारत के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व पृथ्वी विज्ञान मंत्री ने किया है, और उन्होंने वहाँ पे एक वादा करके आया है पृथ्वी विज्ञान मंत्री ने कि भारत SDG सतत विकास लक्ष्य 14 नंबर का, टोटल SDG 17 है, इनमें से 14 नंबर है जल के नीचे जीवन, उसको कार्यान्वयन करने के लिए विज्ञान एवं नवाचार आधारित समाधान प्रदान करेगा भारत। भारत SDG 14 के लक्ष्यों को पाने के लिए विज्ञान और नवाचार आधारित समाधान प्रदान करेगा। UNOC SDG सतत विकास लक्ष्य 14 से जुड़ा हुआ, ये आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब इसका लक्ष्य, इसका एजेंडा क्या है? यह गहरे समुद्री उत्खनन पर रोक लगाने का प्रयास करता है और CO2 अवशोषण के लिए समुद्र की क्षमता बढ़ाने के लिए कार्बन पृथक्करण पर बल देता है। अब यहाँ पे एक एक टर्म आ जाता है, कार्बन पृथक्करण। कार्बन पृथक्करण क्या होता है? वायुमंडल से CO2 को अलग करना। ऐसा नहीं है कि पूरी CO2 अलग कर देंगे, जितनी मानव द्वारा जनित CO2 जा रही है उसे हम वायुमंडल से अलग करने का प्रयास करते हैं, और इसे कहीं जमीन में जहाँ पे तेल उत्खनन हो रहा था और वो अब खाली हो चुका है, और वहाँ पे भी तेल उत्खनन का कार्य नहीं होता है, तो वहाँ पे CO2 को किसी, कई मेथड होती हैं, उनसे कार्बन डाइऑक्साइड को दबा देते हैं जमीन पे, या कि फिर गहरे समुद्र में इसको कुछ दूरी तक इंजेक्ट किया जाता है, और ये पानी के प्रेशर के द्वारा धीरे 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 समुद्र के नीचे तक आके फिर समय के साथ वो पानी के साथ घुल जाती है। इसे ही हम कार्बन पृथक्करण कहते हैं। और इसमें एक टर्म क्वाइन किया गया है, ब्लू डील। ये क्या है? ब्लू डील आर्थिक समृद्धि के लिए समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग को सुनिश्चित करता है। ब्लू डील एक, इसको प्रमोट किया गया है इस सम्मेलन में। ब्लू डील आर्थिक समृद्धि के लिए समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग को सुनिश्चित करता है। इस ब्लू डील से अधिकतर विकासशील राष्ट्रों को बेनिफिट होगा। ब्लू डील से अधिकतर विकासशील राष्ट्रों को बेनिफिट होगा। ब्लू डील को याद रखना है, ये समुद्री संसाधनों से रिलेटेड है। हमारा फोर्थ टॉपिक है आज का नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA। ये अक्सर चर्चा में रहा आता है, कुछ न कुछ केस अपने देश में होते ही रहते हैं। यह एक सेंट्रल एजेंसी है जिसे उन सभी अपराधों में जांच करने का अधिकार प्राप्त है जो भारत की सुरक्षा व संप्रभुता को प्रभावित करते हों, मित्र राष्ट्रों के साथ संबंधों को प्रभावित करते हों, व अंतर्राष्ट्रीय संधि व समझौतों को प्रभावित करते हों। इन सभी केसों में NIA जांच करता है, और NIA आतंकवादी गतिविधियों में भी जांच कर सकता है, नकली भारतीय मुद्रा के प्रचलन में भी जांच कर सकता है, हथियारों के अवैध व्यापार में, और सीमा के अंदर घुसपैठ करने वाले व कराने वाले दोनों के खिलाफ NIA जांच कर सकता है। आपको ये तो पता ही होगा कि NIA का गठन 26/11 के मुंबई हमले के बाद किया गया था 2008 में, और इसका गठन हुआ दिसंबर 2008 में, और कार्यशील हुआ 2009 से। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। आइए देखते हैं NIA के दायरे में कौन कौन आ सकता है। क्या ये इसमें विदेशी नागरिक भी आ सकते हैं NIA की जांच में?
पहला, इसमें सभी भारतीय नागरिक शामिल होंगे। NRI जो देश में नहीं रह रहे हैं वो भी इसके जांच के दायरे में होंगे। जो लोग सरकारी सेवा में देश के बाहर नियुक्त हैं, जो कि आप होने वाले हैं, आपके ऊपर भी NIA के नियम लागू होंगे। वह व्यक्ति जो देश के बाहर से देश के लोगों के विरुद्ध या भारतीय हितों के विरुद्ध अनुसूचित अपराध करे, उसके खिलाफ भी NIA जांच कर सकता है। अब वो चाहे देश का व्यक्ति हो या कोई विदेशी हो, विदेशी के खिलाफ भी NIA जांच कर सकता है। और ऐसा संशोधन 2019 में गवर्नमेंट ने किया था, NIA विदेशों में भी जाकर जांच कर सकती है। आइए इसमें देख लेते हैं अनुसूचित अपराध की जो बात की गई है वो क्या है। अनुसूचित अपराध, आप इसको रोक के इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। NIA के द्वारा अनुसूचित अपराध, इसको थोड़ा जूम कर देते हैं। ये निम्नलिखित जो कानून हैं ये अनुसूचित अपराध के अंतर्गत आते हैं। जैसे परमाणु ऊर्जा अधिनियम, इसके खिलाफ अगर आप इस अधिनियम के खिलाफ कोई कार्य करते हैं, या विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, यान अपहरण, कोई आप हवाई जहाज वगैरह अगर उसको किडनैपिंग करते हैं, हाईजैक करते हैं, तो NIA जांच कर सकता है। आतंकवाद दमन अधिनियम, गैर कानूनी गतिविधियों का निषेध अधिनियम, सिविल विमानन सुरक्षा निधि अधिनियम, गैर कानूनी क्रियाकलाप, इनके खिलाफ अगर आप काम करते हैं तो आपके ऊपर NIA जांच कर सकता है। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है कैस्पियन शिखर सम्मेलन 2022। इसका ये सिक्स्थ आयोजन है, छठवां आयोजन है, और ये तुर्कमेनिस्तान की राजधानी असगाबाद में आयोजित किया गया था। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी क्या है? असगाबाद। इस सम्मेलन की खासियत क्या है कि इसमें कैस्पियन सागर से लगने वाली सीमा, जिन देशों की सीमा कैस्पियन सागर से लगती है, सिर्फ वही इस सम्मेलन में भाग ले सकते हैं। और ऐसे कुल 5 देश हैं, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, रूस, अजरबैजान और ईरान। आइए इनको मैप में देख लेते हैं एक बार, आपको याद रहेगा। ईरान पहला देश, ये इसकी बाउंड्री लगती है। ईरान के बाद तुर्कमेनिस्तान की काफ़ी बाउंड्री लगती है। तुर्कमेनिस्तान के बाद कजाकिस्तान, कजाकिस्तान की लगभग सबसे ज़्यादा बाउंड्री लगती है। उसके बाद रूस की बाउंड्री लगती है और अजरबैजान की बाउंड्री लगती है। ये कैस्पियन सी अक्सर न्यूज में रहता है, आप इसे जरूर ध्यान से पढ़ें। और ये कैस्पियन सी है कहाँ? कैस्पियन सी की लोकेशन देखेंगे, यह काकेशस पर्वत के पूर्व में है। काकेशस पर्वत कहाँ पे है? रसिया, और ये आप मैप जूम करके देखें, रसिया और जॉर्जिया की ये बाउंड्री बनाता है, ये काकेशस पर्वत है। ये काकेशस पर्वत है, इसके पूर्व में कैस्पियन सी और एशिया के स्टेपी मैदान, ये मध्य एशिया के ये स्टेपी मैदान हैं, इनके पश्चिम में कैस्पियन सी की लोकेशन है। इससे भी MCQ बना सकता है। और इस सम्मेलन में कैस्पियन सागर के समसामयिक मुद्दों पर चर्चा की जाती है। अगर किसी का कोई विवाद है तो इस सम्मेलन में उन विवादों के बारे में चर्चा की जाती है, या आंतरिक व्यापार के बारे में, इन देशों के बारे में व्यापार कैसा होगा, उसकी चर्चा की जाती है। कैस्पियन सी के बारे में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है, यह विश्व का सबसे बड़ा अंतर्देशीय जल निकाय है। अंतर्देशीय जल निकाय क्या होता है? जिसकी सीमा, वह जल निकाय जो कहीं भी, जैसे या एग्जाम्पल के लिए जल निकाय ले लेते हैं, और ये, सॉरी, ये भारत है, ये इस मैप सही से नहीं बन रहा, ये भारत है, ये एक कोई बॉडी है, ये जल निकाय है, और इसकी सीमा अगर कहीं समुद्र से नहीं लग रही है तो यह अंतरदेशीय, कई देशों के बीच में, यहाँ पे बांग्लादेश है या पाकिस्तान है, कई देशों के बीच में ये जल निकाय है, इसको हम अंतरदेशीय जल निकाय कहेंगे। आप इसी को एग्जाम्पल में देख सकते हैं, ये है कैस्पियन सी, इसका नाम है सी, लेकिन ये एक्चुअली एक तालाब है, यह तालाब एक झील है, एक ये सबसे बड़ी झील में गिनी जाती है। ये अंतरदेशीय जल निकाय, इनलैंड वाटर सिस्टम है, ये इनलैंड वाटर बॉडी है, ये
विश्व की सबसे बड़ी इनलैंड वाटर बॉडी है कैस्पियन सी, और यह सबसे बड़ी लवणीय झील भी है। लवणीय क्यों है? क्योंकि इसमें लगभग 130 नदियों का पानी इसमें आके मिलता है। रूस की तरफ से आता है और कजाकिस्तान की तरफ से आता है, और अधिकतर नदियां रूस और पश्चिमी क्षेत्र से ही आके इसमें मिलती हैं। और इसका पानी कहीं भी किसी समुद्र से जाके, समुद्र में जाके नहीं मिलता है। तो ये जो सैलिनिटी आती है, पहले इसको मिटा देते हैं, ये जो सैलिनिटी नदियों के थ्रू आ रही है तो ये जमा होती जाती है यहाँ पे। तो इसका ये उत्तरी क्षेत्र और थोड़ा थोड़ा पश्चिमी क्षेत्र ये कम खारा है, ये कम खारा है, और दक्षिणी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र ये अधिक खारा है कैस्पियन सी का। आज के टॉपिक समाप्त हुए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, और संडे को इन्हीं करंट अफेयर में से एमसीक्यू डिस्कस किए जाएंगे, ज़रूर देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।